सॉरी बिफोर स्टार्टिंग विद टूडेज क्लास कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट क्वेश्चन बैंक जो हिस्ट्री का था एस एस टी का आई I मीन mean, uh, आपको डिफरेंट सीरीज़ आई थी एम सी क्यूज़ के लिए इज एंट कुछ एम सी क्यूज़ क्वेश्चन बैंक में से कुछ सीरीज़ में आए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सीरीज़ में नहीं आए थे सो डू नॉट टेक क्वेश्चन बैंक फॉर ग्रांटेड Uh, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एज़ फार एज़ इंग्लिश इज़ कंसर्न तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन ये है कि टेक्जुअल क्वेश्चन करने हैं और in, uh, मतलब टेक्स्ट uh, के बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगर हम एस एस टी पेपर के लॉन्ग टाइप्स को देखते हैं इफ़ यू गो बाई दैट थिंग मुझे नहीं लगता इंग्लिश में भी ये लोग टेक्जुअल क्वेश्चंस के बाहर कोई क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में देंगे सो फोकस ऑन टेक्जुअल क्वेश्चंस ओनली एज़ फार एज़ प्रोज इज़ कंसर्न शॉर्ट स्टोरी में डेफिनेटली आपको थीम्स में से क्वेश्चन आएंगे ठीक है लिटरेरी डिवाइस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ओके एज़ ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कोई लिटरेरी डिवाइस में से क्वेश्चन आएगा इफ़ इट विल बी इट विल बी लाइकली रिलेटेड टू आयरनी जो भी टेक्जुअल क्वेश्चन में है तो उसके बाहर जाने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है ठीक है सो so, uh, कुछ और क्वेश्चंस भी थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा बट जहाँ जहाँ पे कहीं मुझे कमेंट दिखे तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर देती हूँ बिकॉज़ uh, फिर मुझे याद नहीं रहता वीडियो के टाइम किस क्वेश्चन uh, कौन सा क्वेश्चन था क्या था सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो पहली थीम जो uh, इस प्ले में है दैट इज़ मैरिज ओके इट इज़ वन ऑफ इट्स अ मेजर थीम ऑफ द प्ले अगर आप इसका uh, जो ये प्ले है इसकी बुक देखोगे वहाँ पे बुक का टाइटल है मैरिज प्रपोजल ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने एज अ चैप्टर जो इन्होंने दिया है बुक में इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया एंड दे हैव पुट ओनली प्रपोजल ओवर दैर ठीक है सो मैरिज फॉर्म्स दी वन ऑफ दी

शादी की बात ही करनी होती है उन्हें नतालिया भी जो आती है लूमो इज देयर टू प्रपोज टू हर सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्टिकुलर थीम ओनली अनदर थीम दैट इज देयर इज ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड व्हिच विल डिस्कस लेटर आफ्टर दिस पर्टिकुलर थीम सो अगर आप ये आंसर ध्यान से सुनोगे फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लर्न करने में ठीक है द मेजर थीम ऑफ चेकोव्स The proposal is cold approach to marriage that had been common in 19th century Russia, especially among the wealthy. अब यहाँ तक ये क्या बोल रहा है कि जो मेजर थीम है प्ले की वो क्या है कि टूअर्ड्स मैरिज लोगों का जो रशिया के लोग थे नाइन्टीन सेंचुरी में उनका अप्रोच जो था टूअर्ड्स मैरिज दैट was रियली वेरी कोल्ड एज यू कैन सी इन दिस प्ले जैसे कि आप इस प्ले में देखते हो वॉट आर पीपल पीपल्स हाउ इज पीपल पीपल्स अप्रोच टू मैरिज वेरी कोल्ड इज इन डिट दे डोंट टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली और बिहेव इन दैट मैनर द वे दे आर एक्सपेक्टेड जिस तरह से अगर यहाँ पे रिश्ते की बात होती है हाउ सीरियस पीपल गेट दे स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता इन दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी इन अर वेरी राउडी मैनर

पॉश एंडली वॉन्टिंग टू वेड ईच अदर फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्लाइंड टू द फैक्ट दैट दे वुड नॉट गेट अलॉन्ग वेल सो यह प्ले जो है ये एक सटायर है सटायर क्या होता है Which, you know, एक ऐसी चीज एक ऐसा कैरेक्टर एक ऐसा uh, सोर्स जिसके थ्रू आप किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हो और वैन यू मेक समथिंग फनी बाई यूजिंग अ पर्टिक्यूलर प्रॉप ओके okay, आप न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स देखते हो इट वो कार्टून्स भी क्या है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ अ सटायर यू यूज इट टू क्रिएट ह्यूमर इन इन अ स्टोरी सटायर किस लिए यूज़ होता है ताकि किसी भी स्टोरी को हम ह्यूमरस uh, बना सके किसी भी इंसिडेंट को हम ह्यूमरस बना सके वो कार्टून जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट इज़ कॉल्ड ए सटायर तो यहाँ पे सटायरिकल क्या है ये जो ये शादी का पूरा कॉन्सेप्ट है दिस मनी ड्रिवन मैरिज क्योंकि यहाँ पे हमें इस प्ले में भी देखने को मिलता है ये लोग जो शादी कर रहे होते हैं या नाइनटीन सेंचुरी में जो एक uh, मैरिज का पूरा प्रोसीजर होता था वेल्दी पीपल यूज़ टू गेट मैरिड टू यू नो दे यूज़ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मैच जिसकी वजह से उनका जो स्टेटस है फाइनेशियल स्टेटस है वो क्या हो जाए वो रेज हो जाए आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि यू uh, नो you know, जो एक वेल्दी फैमिली होती है वो वह वहाँ से भी वैसी ही फैमिली ढूंढते हैं कभी कभार कोई मैरिज होती है विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन यू नो बिज़नेस वो बिजनेस मैरिज ही होती है एक हिसाब से वो इसलिए की गई होती है सो so दैट लोग बिजनेस को कलाबोरेट कर सकें वन सच थिंग कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर प्ले एज वेल जहाँ हम इन दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जो बहुत ही पॉश होते हैं रिच होते हैं दे बिलोंग टू वेल्दी फैमिलीज एंड दे वॉन्ट टू गेट यू नो मैरिड टू ईच अदर किस लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ही इन बट दे आर ब्लाइंड टू द फैक्ट वो इतना uh, इस चीज़ में खो जाते हैं कि दैट दे वॉन्ट टू गेट मैरिट टू इच अदर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ uh, खुश रहेंगे भी कि नहीं वेदर दे विल गेट अलॉन्ग वेल विद इच अदर और नॉट वो इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं अगर आपने ये प्ले पढ़ा होगा Uh, Lumo and Natalia. If we look at them, if we look at their future, I don't think they can make a hap. They can live happily with each other. They can make a good couple because they quarrel at uh, over petty issues. You have seen they uh, quarrel over. द सुपीरियोरिटी ऑफ द डॉग किसका डॉग सुपीरियर है किसका इंफीरियर है या फिर ओवर अ पीस ऑफ लैंड जिसकी उतनी वैल्यू भी नहीं होती है सो ऑब्वियसली हाउ कैन दीज टू पीपल गेट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर तो ये हमें देखने को मिलता है इस प्ले में ऑल दो दिस प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज जो कि मैंने कहा आपको

कम्स टू सीक देंड ऑफ चुबूकोज ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड डॉटर है ना लिमोगस लिए आता है वहाँ चुबूको के घर पे ताकि वो नतालिया का हाथ मांग सके नतालिया बट ह्यूमन सॉरी ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड डॉटर नतालिया लेकिन क्या होता है ह्यूमन फॉलीज इन बिकॉज़ ऑल थ्री आर कॉरल सम पीपल नथिंग ऑफ दॉट हैपन्स दैट लुमो जिस पर्पज़ से चुबूकों के घर आया होता है वो वहाँ पूरा हो ही नहीं पाता क्योंकि तीनों के तीनों जो होते हैं वो बहुत ही कॉरलसम लोग होते हैं जिन्हें लड़ाई करने का शौक़ होता है जिन्हें पता भी नहीं चलता कि वो लड़ाई में क्या क्या बोल रहे होते हैं सो so, यहाँ पे ह्यूमन फॉलीज़ का मतलब क्या होता है अगर आप किसी चीज़ को किसी के बात करने के तरीके को बोलते हो फॉली दैट मीन्स द वे इज़ फूलिश ओके द वे ऑफ टॉकिंग द वे ऑफ़ एनी थिंग द वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इज़ फूलिश और यहाँ पर भी ह्यूमन फूलिशनेस इंटरवीन करती है इज इन क्योंकि अगर वो लोग सेंसिबली बिहेव करते तो जो कुछ भी वहाँ हो रहा होता है वो कभी नहीं होता लेकिन उनकी फूलिशनेस की वजह से सब खराब हो जाता है क्योंकि वो कॉरल लोग होते हैं एंड दे ओवर पेटी प्रॉब्लम टू प्रपोज टू नतालिया फॉर मैरिज क्योंकि वो इतनी फूलिश बातों में इतनी इनसेंसिबल बातों में खो जाते हैं कि जिस काम के लिए लुमो वहाँ आया होता है वो वही काम करना भूल जाता है दैट वाज टू प्रपोज टू नतालिया बोथ लेमो एंड नतालिया फर्स्ट स्टार्ट कॉरलिंग ओवर द मीडोज एंड देन ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग्स इजंट इट पहले पीस ऑफ लैंड पे झगड़ा हो जाता है उसके बाद सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स पे झगड़ा होता है इवन चुबुको जॉइन्स द कॉरल चुबुको भी जॉइन करता है वो कॉरल लेकिन वो किसकी साइड लेता है वो अपनी बेटी की साइड लेता है इजंट इट ऑल दो एल्डरली पर्सन ओवर वर उसको बहुत ही मच्योरली बिहेव करना चाहिए था ही शुड हैव सेटल डाउन थिंग्स बट यू नो टू दी वो क्या ऑन द कंट्री वो क्या करता है वो अनएक्सपेक्टेडली uh, बिहेव करता है अपनी बेटी का साइड लेता है और झगड़े को और भी बढ़ाता है इट इज ओनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डैट विस्टम डॉन डॉन्स पॉन्च बू को एंड ई ज्वाइंट हैंड्स ऑफ लुमो एंड निया तो बहुत टाइम के बाद चुबूकों को क्या हो गया इसको चुबूकों को अकल आती है और वो नतालिया और लुमो को उस पॉइंट पे लाता है जहाँ जिसके लिए लुमो एक्चुअली वहाँ आया होता है टू मेक अ प्रपोजल ठीक है एंड आज टू किस ईच अदर व्हेन दे आर स्टिल हाफ अनकशियस एज अ मार्क ऑफ देर हैप्पी यूनियन तो लास्ट में चुबू को आपने देखा होगा चुबू को उन दोनों को बोलता है कि भूल जाओ वट एवर हैपन आस्क देम टू टाई द नॉट बट दिय स्ट्यूबिडिटी कंटिन्यूज लेकिन उनकी स्ट्यूपडिटी जो होती है वो फिर भी वही रहती है जब लास्ट में चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है फिर भी वो एक नया झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट इज ऑल्सो स्टार्टड बाय नतालिया ओनली दे स्टार्ट कॉरिंग अगेन आफ्टर रिगेनिंग देयर कॉन्शियसनेस चिबू को मेक्स एन आरोनिकल रिमार्क दैट्स द वे टू स्टार्ट अ फैमिली ब्लिस दैट्स द वे टू स्टार्ट अ फैमिली ब्लस सो आई मीन ये आइरोनिकल रिमार्क क्यों है क्योंकि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं जिनमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में से कोई पेशेंट नहीं है टॉलरेंट नहीं है सो डू यू थिंक दैट्स द पॉइंट वेन यू कैन सेट दिस इज दैट्स द वे टू स्टार्ट द फैमिली नो isn't it so that makes this remark ironical when you see the understanding when you see that uh, those qualities for which two people should get married qualities how can you say that that's the way to start the family and also says bliss. these remarks contain some deep hidden meanings i mean you don't need to write all these lines yeah skip kar those who want to they can but those who don't they can skip and occasional corals are a part. Okay, tak. Uske baad. Although nothing of the sort. Although nothing of the sort happens in real uh, In real life, this play is a farce. Its purpose is to provide pure humor, as all the situations in the play are ridiculous.

जस्ट अ मोमेंट जितनी भी सचुएशन इस प्ले में है वो सारी की सारी रिडिकुलस है एंड अनलाइकली है होप यू हैव अंडरस्टोड दिस पर्टिकुलर थीम विच इज़ मैरिज यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी कोई बात हो रही है कुछ भी uh, किसी के भी बीच हो रहा है वो सब कुछ रिवॉल्व करता है अराउंड मैरिज अनदर थीम विच इज प्रिवलेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी इन दिस पर्टिकुलर प्ले इज ओल्ड है किस है की बात हम कर रहे हैं जो एक हैबिट है इन तीनों की वो जाने वाली नहीं है क्योंकि वो इनके वो इनकी इनेट हैबिट है सो अनादर थीम ऑफ द प्ले इज ओल्ड हैबिट डाई हार्ड एज वी सी ऑल द्री कैरेक्टर्स आर कॉरल एंड डू नॉट गिव अपट ऑफ देय

Uh, अब कोई झगड़ा इसके बाद नहीं होगा लेकिन उसी टाइम वो फिर से किसी दूसरे पॉइंट पे झगड़ा कर देते हैं दैट मीन्स दे स्टार्ट कॉरलिंग आफ्टर एवरी नाउ एंड देन बार बार किसी न किसी चीज़ पे वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं दे एबिलिटी ऑफ सेटलिंग डाउन थिंग्स इज एट जिल्च जिल्च का मतलब समथिंग विच इज ऐट ज़ीरो ठीक है उनमें जीरो एबिलिटी है किसी भी चीज़ को सेटल डाउन करने की दे कैन नेवर बी अंडरस्टैंडिंग दे कैन नेवर बी पेशेंट और टॉलरेंट

इन द प्ले द प्रपोजल अब यही चीजें रिपीट होंगी और मतलब आपको अब आप डिफिकल्ट नहीं लगेगा नतालिया का कैरेक्टर uh, अंडरस्टैंड करने में या याद करने में बिकॉज थिंग्स आर सेम इन प्ले द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चिको निया स्टेपनोना फार्सिकल कैरेक्टर हु हैज पोट्रेड एज अ ट्वेंटी फाइव इल्ड डॉटर ऑफ द वेल्दी लैंड ओनर स्टेपन स्टेपेनोविक चबुको, we learn from लुमोस सलेलेक्वी that she is an excellent housekeeper. once again, excellent housekeeper, not bad looking and well educated even before she appears, isn't it? जब लुमो चबुको के घर आता है, what do you mean by सलेलेक्वी? सलेलेक्वी means monologue. एक character जब एक स्टेज uh, पे होता है जब उसको दिखाते हैं कि वो अपने ही साथ कुछ सोच रहा होता है उस वक्त यहाँ uh, यहाँ पे भी लुमो जब अकेले बैठा होता है ड्राइंग रूम में चुबुको के वो अपने ही साथ अकेले में सोच रहा होता है uh, किसके बारे में द नेम नतालिया के बारे में कि वो एक अच्छी हाउसकीपर है बुरी भी नहीं है दिखने में वेल well एजुकेटेड है तो तब तक हमें भी नहीं पता होता नतालिया कैसी दिख रही होती है हमें सिर्फ ये लुमो के यू नो थॉट्स में हमें ये लुमो के थॉट्स से पता चलता है व्हेन फाइनली शी डज तो जब वो प्ले में एंट्री uh, करती है दिस एंटी रोमांटिक हीरोइन डिस्ट्रॉयज ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोमांस इन दिस सिचुएशन दैट इज सपोज टू बी रोमांटिक isn't it because she does not behave in an expected manner jis tarah she should have talked with respect but aisa kuch bhi so she behaves in an uh, in an unexpectedly in an unexpected manner she behaves in a mean unwise and in an immature way she is dressed in an apron and negligee what do you mean by negligee negligee means a gown which is made of soft क्लॉथ ठीक है आप गाउन भी लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ नेग्लेज एंड इमेज टू प्रपोज टू हर और वो किन चीजों के बारे में बात करने बैठ जाती है शी स्टार्ट कॉरलिंग विद लुमो पीस ऑफ लैंड नॉट ओनली दैट सिर्फ इतना ही नहीं But she is also absurd in picking up a fight over their pet dogs. तो पहले वो एक piece of land पे झगड़ा करना start करती है, उसके बाद वो अपने pet dogs पे झगड़ा करना start करती है कि मेरा ही अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है। She shows no traces of love sick cat attitude that her father has led us to expect. uske father ne pehle hi usko aise portray kiya hota hai that she wants to get married, she's a love sick cat

एंड रेस्टलेस टू कॉल हिम बैक तो पहले वो उससे बहुत बुरी तरह से झगड़ा करती है लेकिन जब उसको पता चलता है कि लुमो बेसिकली वहां क्यों आया था ही वो रेस्टलेस हो जाती है और एक्साइटेड भी और फिर टेल्स अदर शी प्लीज इन फ्रंट ऑफ अर फादर टू कॉल लुमो बैक वेन शी कम्स टू नो अबाउट हिस्स प्रपोजल ऑफ मैरिज उसके बाद इन हर एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट मैरड शी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल नेवर अटर्ड बाय लुमो, सो जब लुमो वापस आता है और यहाँ पे ऑलरेडी uh, नतालिया को पता होती है कि वो उसको प्रपोज ही करने आया होता है तो लुमो बिना प्रपोज किए ही नतालिया हाँ कह देती है एंड किसज द अन एंड कंफ्यूज लुमो एट हर फादर्स कमांड बट स्टार्ट टू आर्ग यू आफ्टर तो जूँ वो शादी करते हैं वहाँ पर शादी के लिए हाँ कहते हैं वहां पे तो उसके बाद ही वो फिर से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो झगड़ा भी कौन वहां पे स्टार्ट करता है नतालिया निको यूज टूल टू सेटराइज अगेन यहाँ पे चेको कौन है द राइटर वो क्यों को वो कैसे नतालिया को यूज करता है एज अ टूल टू सेटेराइज द प्रोसेस ऑफ कोर्टशिप एंड मैरिज

लुमो इज ए लॉन्ग टाइम नेबर ऑफ स्टेप टू को इन द प्ले अगेन वही चीजें रिपीट होंगी तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है uh, आपके लिए लर्न करना या, learn, याद रखना ऑल दो लुमोज कैरेक्टर इज नॉट दैर इंपॉर्टेंट फ्राम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट बी ऑन द सेफर साइड अगर आप करना चाहते हो आप कर लो लेकिन जो थीम है और निया uh, uh, का कैरेक्टर है आई I मीन mean, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही होगा एग्जाम में ही इज़ अ थर्टी फाइव ईयर ओल्ड बैचलर द प्ले राइट फर्दर डिस्क्राइब्स हिम एज अ लार्ज एंड हार्टी पर अ वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर क्योंकि हम भी uh, थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं कि वो लैंड सच में उसका था कि नहीं ही इज अ स्टॉक कैरेक्टर he is a hypochondriac who is obsessed with his imaginary illness and spends sleepless nights isn't it it is through him that Chico satirizes the attitude of the russian upper middle class society towards marriage iske through uh kahan ye i mean chekhov ke character ke through kis cheez ko satirize karta hai Attitude of Russian upper middle class society towards marriage. Lumo chooses a quiet and regular life instead of searching for ideal or real love. Isn't it? He thinks very practically uh, when he uh, goes to propose to Natalia. Hence, he decides to marry Natalia. Later, he gets involved in continual arguments with her. His hesitation and nervousness in uttering the marriage proposal is funny and hilarious isn't it hilarious bhi funny hi hota hai lumos illness is a representation of the diseased society it indicates individual fra frailty as well as social degeneration यहाँ पे इट इंडिकेट्स इंडिविजुअल इंडिविजुल्रेल्टी एज वेल एज सोशल डिजनरेशन फ्रेल्टी का मतलब क्या होता है यू नो कंडीशन ऑफ बींग एंड डेलीकेट तो यहाँ पे हमें लुमो की वीकनेस पता चल जाती है इजेंट इट और सोशल डिजनरेशन बी सो सोशल डिजनरेशन क्या होता है सोशल डीजेनरेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सोशल स्ट्रक्चर्स या बिहेवियर बिहेवियरल नॉर्म्स यू नो डोंट फंक्शन कंस्ट्रक्टिवली जिस तरह से सोशल सोसाइटी uh, को होना चाहिए उस तरह से सोसाइटी नहीं होती है या एक हेरिडिटरी प्रोसेस चल चला आता है कि जो पहले होता था वही अब भी होगा या हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता आ रहा है तो ऐसा ही होगा तो ये सब लोगों के कैरेक्टर से हमें पता चलता है Got it? So that was all about Lomo's character, Natalia's character, and themes of the play. Hope you like the content. Hope you hope it is beneficial and helpful to you. So do not forget to like this video. Um and do share it with your friends who do not know about this channel, who do not know about this particular video, and subscribe to the channel as well so that you get the latest notification on of every video which I get for you. So best of luck for your exams. Take care stay blessed Allah is